हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूं। मैं शिबा इनू से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको दूंगा। क्या आपको करना है, शिबा इनू पंप हो चुका है क्या, आपको एंट्री लेनी है नहीं लेनी, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, सब इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ, ये मेरी वीडियो है 13 अक्टूबर की, यानी कि 2 वीक पहले की। उसके बारे में मैंने शिबा इनू की कॉइन की प्रिडिक्शन की थी और आपको बताया था कि किस हिसाब से प्राइस रिएक्ट करने वाला है, और एग्जैक्टली उसी लेवल से प्राइस ऊपर गया और अपना ऑल टाइम हाई के आसपास भी ब्रेक करने के बाद भी और भी ऊपर चला गया। तो अगर किसी जिन लोगों ने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद मैंने अगली कॉल जो दी थी वो 23 अक्टूबर को, यानी कि अब से 4 दिन पहले, आप 5 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये कॉल दी थी। 4 मैंने कॉइन्स बताए, इसमें पहला कॉइन शिबी ही था और मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बन रही थी और सबको पता था कॉइन ऊपर जाने वाला है, और वो कॉइन अगर मतलब कितना 7 टाइम वहाँ से 5 to 7 टाइम अगर आपने $100 भी लगा दिए तो $600-$700 आपके आसानी से हो गए थे। तो आप पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जिस लोगों ने नहीं भी करी होगी एंट्री या करी होगी उसके बारे में भूल जाते हैं। अब सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और क्या सिनेरियो बन रहा है अभी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी ड्राइंग करी थी, कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर रहा था रिसर्च करने से पहले, और इतने में ही देखो इसी लेवल से यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ करा था और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा भी चुका है शिप। और ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा था मुझे यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट था। अगर आप यहाँ पर पुरानी जो चार्ट पे देख सकते हैं, हर बार 50 EMA के आसपास आके जो है हर बार ऊपर गया है, और 2 मूविंग एवरेज में हमेशा रेकमेंड करता हूँ आपके चार्ट पे लगे होने चाहिए, एक 200 EMA और एक 50 EMA। अब 200 और 50 EMA इसीलिए होते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए बताता है और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप लोगों को कई बार बताता है, और यहाँ पर जो सपोर्ट होते हैं वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं प्राइस पे। अभी यहाँ पर देख लो इस सपोर्ट को कितने अच्छे से रिएक्ट करा, और मेरे जो प्राइस मैंने जो प्रिडिक्शन लगाई थी वो यहाँ तक की लगाई है। अब ये दोबारा अपने लेवल के आसपास आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एंट्री और एग्जिट का, जिन लोगों के बारे में एक कुछ न्यूज़ भी है इंपॉर्टेंट वो भी बताता हूँ शिप से रिलेटेड। तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ऑलरेडी 5 to 6x पंप हो चुका है पिछले एक हफ्ते में, क्या अब ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर जो एंट्री बन रही थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री बन रही थी, अब वहाँ से ऊपर जा चुका है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, दोबारा 50 EMA के आसपास जब ये टच करने आएगा आप लोग फिर यहाँ से एंट्री बन सकती है। ये है शॉर्ट टर्म स्कैल्प के लिए, यानी कि अगर आपने अभी एंट्री ली 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जैसे ही प्रॉफिट हुआ 50-60% के आसपास आप लोग छोड़ देंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म भी कितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, आने वाले थोड़े ही दिनों की बात कर रहा हूँ। इनकी कम्युनिटी इतनी ज़बरदस्त काम कर रही है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा इनके ट्विटर पर फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं एक मीम टोकन जिसके फॉलोअर्स मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ऊपर से इनका स्वैपिंग के जो फीचर्स आ रहे हैं शिबा स्वैप के बारे में कुछ न्यूज़ है, और भी इनकी कम्युनिटी इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। न्यू लिस्टिंग आ रही है, रॉबिनहुड की लिस्टिंग की अफवाह चल रही थी, वो खैर पॉसिबल हो नहीं पाया, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो मगर बहुत सारी, और अगर हो भी जाए लिस्टिंग तो कोई बड़ी बात मत समझना, कॉइनबेस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी है अभी शिबा इनू। तो यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट टर्म की अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर ये एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद एग्जिट आपने अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि ये अब यहाँ से दोबारा यहाँ पे हमें आता हुआ दिखेगा, यानी कि 8-9 के आसपास और 90 के आसपास भी हमें आता हुआ दिख सकता है, और इस लेवल को भी ब्रेक करेगा आने वाले टाइम पर। और क्यों ब्रेक करेगा उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे यहाँ पर, तो अभी 7 घंटे पहले का जब ये ट्वीट पढ़ेंगे, वाइल वी आर इन स्पॉटलाइट वी वुड लाइक टू थैंक सर्टिक, सर्टिक के बारे में मैं कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, फॉर देयर अमेजिंग वर्क ऑन ऑडिट दैट सिक्योर्ड शिबा स्वैप एंड अलाउड शिबा टू मूव फ्रॉम अ मीम कॉइन टू अ डीफाई इकोसिस्टम। अगर लाइन समझ में नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शिबा स्वैप का सर्टिक ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अब वो एक मीम कॉइन नहीं रहा और डीफाई इकोसिस्टम के अंदर आ गया, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आ गया है। और अभी थोड़े टाइम में अगर आप यहाँ पर जाओगे कॉइन मार्केट कैप के अंदर, अभी लिस्टिंग मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है जो है सर्टिक से, ऑडिट वेरीफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पर कैटेगरीज दिख रहे हो, तो आप डीफाई के अंदर जो है शिबा स्वैप को आने वाले टाइम पे देख सकते हो, जैसे कि टेरा लूना, यूनिस्वैप, चेन लिंक और ये सब डीफाई के अंदर आते हैं, ऐसे ही हम लोगों को अब शिबा स्वैप यानी शिबा इनू भी हमको डीफाई के अंदर दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। मतलब एक मीम कॉइन जो मतलब एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन स्टार्ट हुआ था उसने इस लेवल तक का काम करा, और इनके डेवलपमेंट टीम इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, इनकी हर दिन आप कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहना, और अच्छी न्यूज़, ये नहीं कि नॉर्मल कोई सी लिस्टिंग की है, ये सब तो नॉर्मल न्यूज़ होती है, और भी जो इनकी डेवलपमेंट की न्यूज़ होती है कि नए नए NFTs के अंदर एंटर हो रहे हैं, DeFi के अंदर एंटर हो रहे हैं, अपने नए नए टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले जब लीश और वो
टोकिन के जो जो टोकन्स है, जो इनको जो रिवॉर्ड में आप लोग स्टेक करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड में जो टोकन्स मिलते हैं एनएफटीज के अंदर एंटर हुए, वो इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्होंने बिल्ड कर ली। और मेरा प्राइस प्रिडिक्शन रहेगा इस साल का, कम से कम यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से 3-5x हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। और दूसरी बात और बड़ी इस वजह से दिखेगी क्योंकि अभी अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आकर देखोगे, अगर क्रिप्टो करेंसीज वाले मैं टैब पर लेकर जाऊं आपको, और अभी यहां पर देखोगे 10वें नंबर पर आ चुका है शिबा इनू, और कहां ये कितना नीचे था। अब ये डॉज कॉइन को फ्लिप करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना अभी डॉज कॉइन की। अभी देखोगे अगर थोड़ी मार्केट कैप थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले एक दिन के अंदर अंदर, अभी यहाँ पे 30 रहनी है, 32 है। अगर यहाँ पे एक थोड़ा बहुत और पंप हमने देखा, यानी अगर यहाँ से 2x भी हुआ, तो इसको जो है पछाड़ के यहाँ पे 9वें नंबर पर आ जाएगा और डॉज कॉइन को रिप्लेस कर देगा जल्दी। और मेरी भी ऐसी प्रेडिक्शन है कि डॉज कॉइन को जरूर रिप्लेस करेगा, क्योंकि डॉज कॉइन की टीम कुछ ऐसा खास काम कर भी नहीं रही। इनकी कम्युनिटी हम एक प्रोजेक्ट को एक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, मतलब एज अ होल देखा जाता है कि आप लोग उस प्रोजेक्ट की टीम क्या काम कर रही है, डेवलपमेंट टीम का क्या प्रोसेस है, क्या रोड मैप है इनका, क्या ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में डॉज कॉइन मतलब अनबिलीवेबल है, सॉरी शिबा इनू अनबिलीवेबल है। हालांकि डॉज कॉइन को मतलब उसका कुछ रीजन रहता पर्टिकुलर पीछे, अब इसके डॉज कॉइन के पीछे जिनका हाथ है वो कोई नेक्स्ट लेवल बंदा ही है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बट फिर भी मेरे प्रिडिक्शन रहेगी शिबा इनू जरूर डॉज कॉइन को जो है रिप्लेस करेगा और 9th पोजिशन पे आने वाला है जल्दी। एंट्री एग्जिट मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई सवाल हो आपके तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए शिबा इनू डॉज कॉइन या जो भी मीम कॉइन्स हैं पॉपुलर उनके लिए लेकर आता रहूं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अपना सजेशन, और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कहीं पर, जहां भी आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक मिलते हैं कहीं भी पूछ लीजिए। गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।